हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज हम टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप कास्टिंग को समझ लेते हैं कि वो होती क्या है, थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, देन वी विल डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप इनटू अनदर। एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास जावा में डेटा के टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। यू कैन टाइप कास्ट बोथ प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप इन जावा। हम जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी कास्टिंग कर सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स को भी हम कास्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। रेफरेंस टाइप यानी कि जैसे क्लास या इंटरफेस का हम रेफरेंस लेते हैं। कास्टिंग इज यूज टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यहाँ पर जो मेन आपको ध्यान देना है कि हम डेटा का जो टाइप है उसको कन्वर्ट करते हैं, ना कि डेटा को। डेटा के एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहते हैं। बाई यूजिंग कास्टिंग डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। डेटा चेंज नहीं होता है, बट ओनली टाइप ऑफ डेटा कैन बी मॉडिफाइड। डेटा का टाइप चेंज होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप कास्टिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट या वाइडनिंग एक ही चीज है, एक्सप्लिसिट या नैरोइंग टाइप कास्टिंग भी एक ही चीज है। अब हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव एंड रेफरेंस दो तरह के टाइप्स होते हैं। अब दोनों तरह के टाइप्स को जब हम कास्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उनको हम इम्प्लिसिट तरीके से भी कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि इम्प्लिसिट तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना और रेफरेंस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना, और एक्सप्लिसिट तरीके से प्रिमिटिव और रेफरेंस को कन्वर्ट करना। अब आगे हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की मीनिंग समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कास्ट करने के बारे में समझेंगे, उसके बाद रेफरेंस को। इम्प्लिसिट या वाइडनिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, तीनों का मतलब एक ही है। इम्प्लिसिट यानी कि जो ऑटोमेटिकली हो जाए, अपने आप हो जाए, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास एक छोटा बॉक्स है, उसमें कुछ आपके पास चीजें हैं, आप उस बॉक्स को किसी बड़े बॉक्स में ट्रांसफर करना चाहें, डालना चाहें, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि बड़े वाले साइज वाले बॉक्स में हम छोटी चीज डाल रहे हैं। ऐसे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि जो हमारे पास 8 डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, छोटे डेटा टाइप को यानी कि जो डेटा टाइप कम साइज लेता है, जैसे कि जो बाइट है वो 1 बाइट का साइज लेता है, शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है, इंट 4 बाइट्स लेता है, ऐसे ही जो छोटा डेटा टाइप है उसको अगर आप बड़े डेटा टाइप में ट्रांसफर करें, कास्ट करें, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अलग से आपको कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को इम्प्लिसिट तरीके से कास्ट करना कहलाता है। इसी को हम वाइडनिंग भी कहते हैं, यानी कि हम छोटे साइज को बड़े साइज में डाल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वाइड कर रहे हैं एक तरीके से। सेकंड, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक्सप्लिसिट तरीके से समझे तो उसका रिवर्स होगा। बड़े साइज के डेटा टाइप को छोटे साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। देखिए यहां पर एक्सप्लिसिट तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप को कन्वर्ट करना, इसको हम नैरोइंग भी कहते हैं, छोटा कर रहे हैं हम यहाँ पर। डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को लॉन्ग में, शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट करना, शॉर्ट जैसे 2 बाइट्स लेता है उसको 1 बाइट में ट्रांसफर करना, तो ये एक्सप्लिसिट तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। अब वही बॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे बॉक्स को तो हम बड़े में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े बॉक्स को छोटे में अगर ट्रांसफर करना चाहें तो ऑब्वियसली वो नहीं आएगा, उसमें आपको एरर आ जाएगी, आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहें, जबरदस्ती ट्रांसफर करना चाहें, तो पूरे का पूरा
आपका डेटा जो छोटे बॉक्स में नहीं आएगा, जितना छोटे का साइज है उतना ही डेटा आएगा, बाकी डेटा आपका लॉस हो जाएगा। सेम वही तरीका अगर इंट में जो वैल्यू है, सपोज अगर हम उसको बाइट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बाइट का जितना साइज है उतनी वैल्यू तो आ जाएगी, बाकी आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट तरीके से जबरदस्ती जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो आई होप ये आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का इम्प्लिसिट तरीके से और एक्सप्लिसिट तरीके दोनों से आपको क्लियर हो गया होगा। रेफरेंस को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्लिसिट तरीके से और एक्सप्लिसिट तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप को टाइपकास्ट करेंगे, उसका प्रोग्राम करेंगे पहले, उसके बाद हम रेफरेंस पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करके देखते हैं। ये हमारी क्लास है टाइपकास्टिंग नाम की और मेन फंक्शन है। हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैंने एक बाइट टाइप का बी नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं, मैंने कुछ 100 वैल्यू डाली है। अब इस बाइट टाइप के टाइप को हम किसी और इससे बड़े वाले टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने शॉर्ट में इसको कन्वर्ट करा, तो मैंने जस्ट सिर्फ इतना लिखा और यहाँ पर देखिए कोई भी एरर नहीं है, बाइट टाइप को मैंने शॉर्ट टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। ये देखिए, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज इम्प्लिसिट कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। आप छोटे टाइप को किसी भी बड़े टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग ले लिया है एल का, इसमें मैंने बी को भी ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट को भी ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए इंट लेते हैं आई, इसमें मैंने बाइट को ट्रांसफर करा, शॉर्ट को ट्रांसफर करा, कोई इशू नहीं है। इनको हम प्रिंट कराकर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मैंने बाइट को मैंने प्रिंट कराया है एंड किसी दो को प्रिंट करा लेते हैं, सपोज लॉन्ग को प्रिंट करा लिया है। देखिए दोनों में वैल्यूज आ गई हैं। अब ये तो चारों है इंटीजर टाइप के, डेसिमल वैल्यूज में भी ट्रांसफर करके देख लेते हैं फ्लोट और डबल में। फ्लोट टाइप का मैंने एफ नाम का एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, इसमें मैंने बाइट को ट्रांसफर करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट को ट्रांसफर कराया, लॉन्ग को ट्रांसफर कराया, इंट को ट्रांसफर कराया, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो ये ऊपर वाले चार है इंटीजर टाइप के हैं और फ्लोट और डेसिमल फ्लोट और डबल जो है वो डेसिमल टाइप का है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये साइज बड़ा है इंट से लॉन्ग से, इनका साइज फ्लोट और डबल का बड़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्लोट को प्रिंट करा के देखते हैं, ये देखिए वैल्यूज ऐसे ही डबल में आप प्रिंट करा सकते हो। इसमें मैंने लॉन्ग की वैल्यू डाली, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे इम्प्लीसिटली कास्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ऐसे ही सपोज हम बड़ी बड़े साइज की वैल्यू को टाइप को अगर हम छोटे में कन्वर्ट करें, उसके लिए देखिए इन सबको हम हटा देते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने इंट वेरिएबल लिया है और मैंने 100 इसमें डाला है। अब इंट से छोटे टाइप में हम कन्वर्ट करके देखते हैं, बाइट लिया बी, इसमें मैंने आई को कन्वर्ट करा है। देखिए यहाँ पर एक एरर हमारे पास आई है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, यानी कि अगर इंट जो है 4 बाइट्स का साइज लेता है, उसको मैंने बाइट में जो कि 1 बाइट का साइज लेता है उसमें डालने की कोशिश करी है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो आपको एरर शो करेगा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। लेकिन फिर भी सपोज आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, आपको कन्वर्ट करना ही करना है, उसके लिए आपको इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए क्या करना है आपको, यहां पर ब्रैकेट में पहले उसको उस टाइप का बनाना पड़ेगा।
इंट को पहले मैंने बाइट टाइप का बनाया, उसके बाद मैंने बाइट वेरिएबल में इसको ट्रांसफर करा है। तो ये जो तरीका है ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का है। अगेन हम किसी और दो तीन एग्जांपल को लेकर देखते हैं। मैंने यहाँ फ्लोट लिया है और फ्लोट में यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज डाली हैं। मैंने सपोज इसके अंदर डाला है 250, यहाँ पर मैंने डाला है फ्लोट में, फ्लोट एफ वेरिएबल का नाम। और इसको हम इससे छोटे साइज में इंट में या बाइट में या शॉर्ट में डालना चाहते हैं, तो मैंने बी लिया, बी में मैंने फ्लोट को ट्रांसफर कराया है। अगेन एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स। फिर भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बाइट में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, इस तरीके से। अगेन देखिए, अगर आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोट को, तो आपको यहां पर इंट लिखना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब हम रेफरेंस टाइप को कन्वर्ट करना देखते हैं। अभी तक हमने प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा है। रेफरेंस टाइप क्या होता है? जो जैसे अगर हम कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सपोज स्टूडेंट क्लास है, तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में रेफर कराया है, तो वो उस क्लास टाइप का या किसी इंटरफेस टाइप का जो वेरिएबल होता है वो रेफरेंस टाइप का वेरिएबल होता है। और इनहेरिटेंस में हमने जैसे सीखा है कि चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास का कंसेप्ट होता है, तो अगर हम चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास में असाइन कराएं या रेफर कराएं, यानी कि जो चाइल्ड क्लास है वो छोटी क्लास है, उसको बड़ी क्लास में उसके उसका जो पेरेंट क्लास है उसमें अगर हम असाइन कराएं, तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, इम्प्लिसिट कास्टिंग होगी, यानी कि छोटी क्लास बड़ी क्लास में हम रेफर कर सकते हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर हमारी एक क्लास है, मैनेजर नाम की एक क्लास है, और ऊपर हम एक और क्लास बनाते हैं, एम्प्लॉई क्लास। यहाँ पर मैंने दो क्लासेस बनाई हैं। ये हमारी दो क्लासेस हैं। अब एम्प्लॉई क्लास है, इसको मुझे पेरेंट क्लास बनाना है, और जो मैनेजर क्लास है ये मुझे चाइल्ड क्लास बनानी है। और मैनेजर क्लास के अंदर हम एक मेन फंक्शन भी बना लेते हैं। अब ये जो मैनेजर क्लास है, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, तो ये एक्सटेंड करेगी अपनी पेरेंट क्लास को, यानी कि एम्प्लॉय क्लास को। तो एम्प्लॉय क्लास पेरेंट क्लास है और मैनेजर क्लास चाइल्ड क्लास है। चलिए आगे देखिए। अब हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि मैनेजर क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको रेफर किसमें करा, उसकी पेरेंट क्लास में, यानी कि एम्प्लॉय क्लास में। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने यहाँ पर इसको रेफर कर दिया है। अब देखिए, चाइल्ड क्लास को मैंने पेरेंट क्लास में रेफर करा है, छोटी क्लास को बड़ी क्लास में रेफर करा है, तो दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कास्टिंग। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली असाइन हो रहा है। इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। बाकी मैं इसमें डिटेल में कोई फंक्शंस बनाकर या कुछ वेरिएबल्स लेकर कोई प्रोग्राम करके नहीं दिखा रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है यहाँ पर कि चाइल्ड क्लास को अगर हम पेरेंट क्लास में, छोटी क्लास को बड़ी क्लास में ट्रांसफर कराएं, तो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम उल्टा करें, अगर हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, यानी कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको
छोटी क्लास में चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में अगर हम असाइन कराना चाहें तो देखिए उसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसको हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मैनेजर क्लास में असाइन कराते हैं। तो देखिए यहां पर एरर सेम वही इनकम्पैटिबल टाइप्स, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वही तरीका जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में देखा था, यहां पर हम ब्रैकेट में उसका टाइप लिख देंगे। तो हमने यहां पर जो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कराया है और इसको एक्सप्लिसिटली हमने यहां पर कास्ट कराया है। और अगेन आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज हम यहां पर एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं इस तरीके से, और यहां पर EMP ट्रांसफर करा दे। इसको अलग वेरिएबल में लिख लेते हैं EMP। तो आप पहले ऑब्जेक्ट बनाकर उसके बाद कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर साथ के साथ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा कास्टिंग के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा लॉजिकल प्रोग्राम से आपको नहीं समझाया है, मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया है, क्योंकि जो हम आगे प्रोग्राम्स अपने वीडियोस में सीखेंगे उनमें आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, वो रेफरेंस के भी हो सकते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में जब हम अपने प्रोग्राम्स करेंगे तो इस कास्टिंग का यूज होगा उसमें। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।